अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए, स्टेट पीएससी, यूजीसी, आईआईटी, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। गुड इवनिंग स्नेहा, वेरी गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक है हमारा पोजेसिव केस ऑफ नाउन। वीडियो को शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फटाफट से मुझे ये बताओ कि नाउन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप नाउन की नाउन क्या होती है, तो आप क्या आंसर करोगे कि नाउन क्या होती है? फटाफट से मुझे बताइए। नाउन अगर मैं पूछूं, हिंदी में बात करूं तो नाउन को कहा जाता है संज्ञा। हिंदी में अगर एक मैं बात करूं कि नाउन क्या होते हैं, तो नाउन को कहा जाता है संज्ञा। अब छोटी क्लासेस से हम समझते आ रहे हैं कि संज्ञा क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन है तो है क्या? किसी भी चीज का नेम क्या है आपका? नाउन है। दुनिया में हर चीज का कुछ ना कुछ नेम तो है। तो दुनिया में हर चीज नाउन है। आप नाउन है, मैं नाउन हूँ, सभी नाउन है। ठीक है, कोई भी नाम तो होगा ही, और नाम है तो वो नाउन है। गुड इवनिंग अशोक, क्लियर हुआ? अब नाउन की तो हमने समझ लिया, नाउन क्या होता है, नेम होता है। अब नाउन का अधिकार भी तो होगा किसी ना किसी चीज पे। अब जब मैं और आप नाउन है, तो आपका सर्टेन चीजों पे अधिकार है, मेरा भी सर्टेन चीजों पे अधिकार है। तो ये पोजेसिव केस क्या होता है? पोजेसिव वर्ड का मतलब ही प्लेस और थिंग। हाँ जी, करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन हमारा कि क्या है पोजेसिव केस की। अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? ऑनरशिप, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ रिलेशन। ठीक है, कोई भी रिलेशन की बात की जाए, का, के और की, ये सभी वर्ड्स क्या बताते हैं? पोजेसिव केस। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये सभी के सभी क्या बताते हैं आपकी? पोजेसिव केस की बात की जाती है। अब पोजेसिव केस में दो मेन चीजें हैं, एक है आपका लिविंग और एक है आपका नॉन लिविंग। ठीक है, दो ही तरीकों से आप मेनली कैटेगराइज कर सकते हो, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के जो हम पोजेसिव केस की बात करें तो वो बताया जाता है एपोस्ट्रोफी एस से। एपोस्ट्रोफी एस से हम किसका पोजेशन बताते हैं? लिविंग का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम्स कार। अब ये राम कैसा है? लिविंग है, नाउन है, और उसकी कार। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमारा बताया गया लिविंग का एपोस्ट्रोफी एस। अब आप ये मत समझना कि ये होता है एपोस्ट्रोफी एस, नहीं, ये एक चीज नहीं है, ये दो चीजें हैं। इसको बोलते हैं हम एपोस्ट्रोफी और ये होता है एस। क्लियर हुआ? क्योंकि कुछ जगहों पे हम देखेंगे कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी का यूज हो रहा है, एस का यूज नहीं हो रहा है। वो भी एक कंडीशन होती है जहाँ पे शायद आपको लगता है कि भाई गलती से लिखा गया है या मिसप्रिंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज का एक प्रॉपर रीजन होता है। अब बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग का अधिकार बताया जाता है ऑफ से। ठीक है, जैसे मुझे एक बात बताओ, दी वॉल्स पेंटिंग, क्या ये करेक्ट है या नहीं? आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है वॉल्स पेंटिंग। अब वॉल कोई लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है, क्या इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना सही है? बताइए, क्या इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाना ठीक है? नॉन लिविंग का जो पोजेशन बताया जाता है वो किस तरीके से बताया जाता है? आप पहले लिखो पोजेशन, फिर लिखो ऑफ, फिर लिखो नाउन। तो यहाँ पे लिखना सही होगा द पेंटिंग ऑफ द वॉल। ठीक है, हाँ जी, द पेंटिंग ऑफ द वॉल, बिल्कुल सही लोकेश, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, क्या सिर्फ हम लिविंग का ही पोजेशन एपोस्ट्रोफी एस से बताते हैं या कुछ और भी चीजें हैं? तो देखो, जब भी टाइम की बात की जाएगी, जैसे मैं लिखूं कि टुडेज इवनिंग, प्लेस की बात की जाए, मैंने लिख दिया दिल्ली पॉपुलेशन।
ठीक है, या कोई भी पर्सोनिफाइड नाउन। पर्सोनिफाइड क्या होता है, पर्सोनिफाइड नाउन का क्या मतलब है, हम बचपन में एक अलंकार पढ़ते थे मानवीकरण अलंकार, जैसे कि हमने बोला कि जैसे हवा ने पत्तों से बातें की, अब क्या हवा पत्तों से बात कर सकती है, नहीं कर सकती। तो ये चीज क्या है, हमने हवा का और पत्तों का क्या कर दिया, मानवीकरण कर दिया। तो कोई भी ऐसी नाउन जिसको हम पर्सोनिफाइड कर सके, जिसका मानवीकरण कर सके, उसके साथ एपोस्ट्रोफेस का यूज हो सकता है, जैसे नेचर, नेचर्स लॉज, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इडियम्स और फ्रेजेस पे तो वैसे भी ग्रामर का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक इडियम लिखा है, क्या मतलब होता है इस इडियम का मुझे बताना, एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या मतलब है इस इडियम का, एट अ स्टोन्स थ्रो, क्या इसके साथ हमने जो एपोस्ट्रोफेस लगाया है वो लगाना सही है या नहीं, क्या इसके साथ जो हमने एपोस्ट्रोफे एस लगाया है वो लगाना सही है कि नहीं, फटाफट से मुझे बताइए। वेरी गुड लोकेश, इस इडियम का मतलब होता है वेरी नियर। एट अ स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब है, वेरी नियर। इसके साथ एपोस्ट्रोफे एस करेक्ट है क्योंकि इडियम्स पे ग्रामर का कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होता। एक और इडियम मैंने लिखा, एट एन आर्म्स लेंथ, एक और इडियम लिख दिया, एट एन आर्म्स लेंथ, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक हाथ का फासला, कुछ सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो इसके साथ भी जो एपोस्ट्रोफे एस है करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो पोजेशन है हमने दो तरीकों से सीखा, या तो आप बता सकते हैं एपोस्ट्रोफे एस से, एपोस्ट्रोफे एस से अगर आपको पोजेशन बताना है तो आप बताओगे लिविंग का, टाइम का, प्लेस का, पर्सोनिफाइड नाउन का और इडियम्स का, ठीक है। अब बात की जाए ऑफ की, तो ऑफ का जो आप बताते हो पोजिशन ऑफ से किसका बताओगे, सिर्फ नॉन लिविंग का, जैसे द वॉल्स पेंटिंग लिखना गलत है, लिखो द पेंटिंग ऑफ द वॉल या फिर द वॉल पेंटिंग लिख दो, वॉल्स पेंटिंग नहीं लिखा जाएगा, क्लियर हुआ। एग्जामिनेशन आपको लिख के देगा चेयर्स लेग, चेयर्स लेग्स, क्या ये लिखना सही है, एग्जामिनेशन आपको लिख के देगा द चेयर्स लेग्स, क्या ये लिखना सही है कि नहीं। लायंस शेयर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट, लार्ज शेयर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि किन तरीकों से हम बेसिकली पोजेशन बता सकते हैं, एक तो एपोस्ट्रोफे एस से और दूसरा ऑफ से। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब वो कौन सी कंडीशन है जहां पे एपोस्ट्रोफे एस ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज किया जाता है, वो सिचुएशन है आपकी हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होती है, अब एक काम करो, सपोज करो यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा हुआ है, पहले आप इसको प्रोनाउंस करो रामस्कार, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप इसको प्रोनाउंस करके देखो रमेश फादर, ये जो श की साउंड आ रही है इसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड कब जनरेट होती है, अगर हम कोई भी वर्ड्स जो एस से खत्म हो, एक्स से खत्म हो, एस एच से खत्म हो, सी एच से खत्म हो, सी ई से खत्म हो या एस ई से खत्म हो, इन सभी वर्ड्स के साथ अगर मैं एपोस्ट्रोफे एस का यूज करती हूँ तो हिसिंग साउंड जनरेट होती है। इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड कैसे करेंगे, ये एस मत लगाओ, एपोस्ट्रोफी तो लगाओ लेकिन एस मत लगाओ। अब आप कैसे बोलोगे इसको रमेश फादर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है बॉयज हॉस्टल, सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये चीज तो सिंगुलर है, इसको हमने प्लूरल बनाया और उसके बाद यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा दिया, उसके बाद इसका पोजेशन लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर हुआ। हाँ जी, ठीक है, तो एपोस्ट्रोफे एस की जगह सिर्फ एपोस्ट्रोफे का यूज कब किया जाता है, जब हिसिंग साउंड जनरेट हो रही हो। अब देखो कुछ पोजेसिव वर्ड्स हैं, ये पोजेसिव वर्ड्स अपने आप में अधिकार बताने के लिए हैं, ठीक है। ये जो पोजेसिव वर्ड्स हैं आप इनको जानते हो पोजेसिव प्रोनाउंस के नाम से, पोजेसिव, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में पोजेसिव केस के नाम से जानते हो या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हो। तो ये क्या क्या है, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर या फिर माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स या देयर्स, इनके साथ ना तो एपोस्ट्रोफे एस का यूज होगा ना एपोस्ट्रोफे का यूज होगा, क्लियर हुआ।
इनके साथ ना तो हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे ना एपोस्ट्रोफी एस का, क्योंकि ये अपने आप में अधिकार बता रहे हैं। अब देखो मुझे एक चीज का आंसर बताओ कि ये मैंने आपके सामने लिखा है इट्स और ये मैंने लिखा है इट्स, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है? ये लिखा है ए, ये लिखा है बी, क्या ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है या फिर है? फटाफट से मुझे बताइए। यहां से सीपीयू में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मुझे बताओ कि क्या ये चीज में क्या डिफरेंस है, ये होती भी है या नहीं होती? देयर इज अ डिफरेंस। ओके तो देखो ध्यान से समझना, ये क्या है, अगर मैं आपसे सिर्फ इसकी बात करूं, आपके पास वर्ड है इट, इट का जो पोजेसिव केस होता है वो होता है इट्स, फिर ये क्या है, क्या इसको हम एपोस्ट्रोफे बोलेंगे? तो ध्यान से समझो इस चीज को, यहाँ पे ये जो ये चीज है इसको एपोस्ट्रोफे नहीं बोला जाएगा, ये है आपका रेज्ड कॉमा। क्या है? रेज्ड कॉमा, ठीक है। और ये क्या है फिर? ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो टोटल है इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रेक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रेक्शन किसका? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रेक्शन। जैसे समझो डू के साथ नॉट, क्वेश्चन टेक्स्ट में मैंने आपको सिखाया था कि डू के साथ नॉट क्या बनेगा? डोंट। तो क्या यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफे है या फिर एपोस्ट्रोफे है? नहीं, ये क्या है आपका रेज्ड कोमा, डू के साथ नॉट का कॉन्ट्रेक्शन। सिमिलरली यहाँ पे ये जो चीज है ये सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रेक्शन है, इसका मतलब हो सकता है इट इज, इसका मतलब हो सकता है इट वॉज, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। रिफ्रेश करो स्नेहा, ठीक है, इतना क्लियर हुआ भाई? ये चीज क्लियर हो गई? तो आपके सामने जो एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन पूछा था वो मैं बताती हूँ कि क्या क्वेश्चन पूछा था। पहले मुझे फटाफट से ये बताओ कि इतनी चीज क्लियर है कि नहीं, कि पोजेसिव वर्ड्स के साथ आप जो है एपोस्ट्रोफे एस का या फिर एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं करोगे। अब देखो एग्जामिनेशन ने आपसे पूछा था कि ऐसे करके कुछ था कि यूके सॉ इट्स फर्स्ट चाइल्ड, यूके सॉ इट्स फर्स्ट चाइल्ड एडिक्टेड टू मोबाइल फोन। तो मुझे ये बताओ कि इस पार्ट में यहां पे ये चीज गलत हुई कि नहीं हुई? ये अगर सब्जेक्ट है और ये वर्ब है तो फिर ये सौ क्या है? ठीक है, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे आना चाहिए पोजेसिव केस, तो यहाँ पे आप लिखोगे इट्स। क्लियर हुआ? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है मेरे एंड पे, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझे शो होता है। तो एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिए, क्लियर हुआ? तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब जैसे कि इसी में अगर मैं यहाँ पे ये चीज लिखूं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया शीज, तो यहाँ पे ये चीज क्या है? एपोस्ट्रोफेस थोड़ी ना है, शी का जो पोजेसिव केस है वो होता है हर, ये क्या है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉन्ट्रेक्शन, इसका मतलब हो सकता है शी इज, इसका मतलब हो सकता है शी वॉज। बहुत बढ़िया, तो मैं ये मान के चलूं कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमें डबल एपोस्ट्रोफे का या फिर सीक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे का यूज अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है माय वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं है। गुड इवनिंग अंजाम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। आप इसको करेक्ट कैसे करोगे? पहले हम रूल से समझेंगे, उसके बाद पहले हम रूल से समझेंगे उसके बाद हम लर्न करेंगे कैसे एग्जाम्पल की मदद से चीजों को और अच्छे से समझेंगे। तो आपके सामने गिवन है नाउन वन, नाउन वन उसके साथ एपोस्ट्रोफेस, उसके बाद फिर नाउन टू उसके बाद एपोस्ट्रोफेस और उसके साथ पोजेशन गिवन है। ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कैसे करोगे? पहले लिखोगे पोजेशन, ठीक है, फिर इस एपोस्ट्रोफेस की जगह लगाओ ऑफ और फिर ये वाला जो फ्रेज है एज इट इज ले आओ।
ठीक है, गुड इवनिंग आरती। ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज और सिखाने वाली हूँ कि आपको ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो नहीं करना है। इसी एग्जाम्पल से, मतलब इसी रूल से मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि ब्लाइंडली रूल्स को भी फॉलो नहीं करना है। इंग्लिश की अगर बात की जाए तो दो चीजें मैटर करेंगी, एक तो मीनिंग और एक फिर रूल्स। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रूल्स के बेसिस पे आप इंग्लिश को समझ लो, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा कि सिर्फ मीनिंग, दोनों चीजें अगर एक साथ चलेंगी तभी आप इंग्लिश को समझ पाओगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आई। अब एग्जाम्पल से समझो, ये आपके सामने नाउन वन है एपोस्ट्रोफी एस, नाउन टू है एपोस्ट्रोफी एस, और ये पोजेशन है। तो क्या करो, पोजेशन इस एपोस्ट्रोफी एस की जगह लगाओ ऑफ, और उसके बाद सेकंड, जो उसके बाद ये वाला फ्रेज है, एज इट इज द मदर ऑफ माय वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, द मदर ऑफ माय वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड। क्लियर हुआ? अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो मुझे फटाफट से ये सेंटेंस ठीक करके बता दो। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। इस सेंटेंस को करेक्ट करके मुझे बताओ। अगर आपको ये रूल समझ में आ गया है तो फिर इस रूल को करेक्ट करके बताओ। बेसिक्स से उठाया था पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स, और उसके बाद धीरे धीरे सारे ही रूल्स कवर कर लेंगे। आगे कंपाउंड नाउन के पोजेसिव्स कैसे बनाए जा सकते हैं, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन के बाद आपको अपोस्ट्रोफी एस या फिर मतलब जो पोजेसिव केस वाला टॉपिक है उस सेक्शन से दिक्कत नहीं आएगी। मुझे आप इस सेंटेंस को ठीक करके बताओ कि हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। अगर आप ब्लाइंडली रूल को फॉलो करोगे, अब इस सेंटेंस की अगर बात की जाए, अर्शप्रीत आज कोई एग्जाम नहीं था सीपीओ का। अब यहां पे देखो, अगर आप ब्लाइंडली रूल को फॉलो करोगे तो आप इस सेंटेंस में ठीक करोगे कि हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शंकर। अब आप खुद देखो, क्या इस रूल का, क्या क्या ये सेंटेंस का कोई तुक बन रहा है, क्या कोई मीनिंग निकल के आ रहा है, क्या कोई क्लियर मीनिंग आप निकाल सकते हो? हाउस ऑफ हिज फ्रेंड्स शंकर, फ्रेंड के शंकर का घर, समझ रहे हो? तो ब्लाइंडली रूल को फॉलो नहीं करना है। इस सेंटेंस में आप क्या करो, ये वाला जो एपोस्ट्रोफी एस है इसको हटा ही दो, सिंपल सा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ये उसके दोस्त शंकर का घर है। समझ में आया? तो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, बट रूल्स के साथ जो एक चीज और मैटर करेगी वो मैटर करेगा कि उसका मीनिंग, अगर आपके पास कोई मीनिंग निकल के आ रहा है स्पष्ट मीनिंग तो ठीक है, अदरवाइज वो रूल लगाना भी सही नहीं है। बहुत बढ़िया आरती, वेरी गुड, करेक्ट। हाँ जी अमित, यही चीज मैंने सिखाई है कि ब्लाइंडली रूल्स को फॉलो नहीं करना है। अब मुझे ये बताओ कि इस पार्ट में अगर कोई एरर ना, मतलब इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आगे बढ़ते हैं। अगर इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, बताओ। कोई भी दिक्कत लगे अब तक तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब शुरू होने वाला है, कॉमन कॉमन पोजिशन एंड सेपरेट पोजिशन का, जिसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है। अमित सही नहीं है, आरती ने जो बताया बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेंगे, फ्रेंड के साथ जो एपोस्ट्रोफी एस है उसको रिमूव कर देंगे। चलो अब देखो, यहां से मैं आपको दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाली हूँ, ध्यान से सुनते रहना। दो चीजें होती हैं, देखो दो चीजें हैं, एक होते हैं कॉमन पोजेशन, एक होता है सेपरेट पोजेशन। कॉमन पोजेशन क्या है और सेपरेट पोजेशन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझो। कॉमन पोजेशन नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज होगी जिसपे अधिकार होगा सभी का,
मतलब सभी का मतलब एक से ज्यादा। आप सपोज करो आपके घर में कोई व्हीकल है तो उसपे आपका ही अधिकार होगा या सभी मेंबर्स का बराबर अधिकार होगा, या सपोज कर लो रसोई के बर्तन है उसपे सभी का अधिकार होगा, तो ये चीजें किसके कैटेगरी में जाएंगी? कॉमन पोजेशन में। लेकिन बात करते हैं सेपरेट पोजेशन की। अब सपोज कर लो टूथब्रश, टूथब्रश तो सबकी अपनी अपनी होंगी ना, घर में 6 मेंबर्स है तो सबकी अपनी अपनी टूथब्रश है, ठीक है। या सपोज कर लो क्लोथ्स, क्लियर हुआ? तो ये डिफरेंस होता है कॉमन पोजेशन और सेपरेट पोजेशन में। अब बात करते हैं रूल की। अगर नाउन वन एंड से जुड़ा है नाउन टू के साथ और हमें बताना है कॉमन पोजेशन, हमें कौन सा पोजेशन बताना है? कॉमन पोजेशन। तो जो अपोस्ट्रोफी एस है वो सिर्फ नाउन टू के साथ आएगा और उसके बाद हम लिखेंगे उसका जो भी पोजेशन है। अब एक बात को ध्यान से समझना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रही हूँ यहाँ से। आपको रूल में भी यही बताया जाएगा, बुक्स में भी यही लिखा होगा कि आप जो अपोस्ट्रोफी एस है वो नाउन टू के साथ लगाओ, लेकिन मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि एंड से जब हमने जोड़ा है तो ये एक बन गया है, यानी ये जो अपोस्ट्रोफी एस है सिर्फ नाउन टू के साथ नहीं है, ये एक फ्रेज है उसी पूरे के साथ अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। अब ये पोजेशन है, हो सकता है कोई एक चीज कॉमन हो सकता है एक से ज्यादा चीज कॉमन हो, तो ये जो पोजेशन है ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर हुआ? नाउन वन अगर एंड से जुड़ा है नाउन टू के साथ और अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ नाउन टू यानी कि पूरे मतलब एक ही फ्रेज के साथ है, तो ये जो पोजेशन है ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन एंड सोहन हाउस, एक घर है मोहन का भी और सोहन का भी, मोहन एंड सोहन फ्रेंड। अब इस फ्रेंड को अगर मैं प्लूरल लिख दूं तो भी क्या दिक्कत है? हो सकता है एक से ज्यादा दोस्त मोहन और सोहन के कॉमन हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या ये जो थर्ड सेंटेंस है ये पॉसिबल है या नहीं है? ये थर्ड सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं? यहां पे मैंने लिखा है मोहन एंड सोहन्स वाइफ, क्या ये चीज पॉसिबल है? ध्यान से ऑब्जर्व करो, पॉसिबल तो नहीं है, फिर कैसे हम इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं? हमें अगर ये चीज को करेक्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे? नॉट पॉसिबल, करेक्ट। एक जनरल सिनेरियो में दिस इज नॉट पॉसिबल, तो अभी मैं इसको क्रॉस करके चल रही हूं, अभी सॉल्व नहीं कर रही, सॉल्व वापस आके करेंगे, ठीक है। अब सीख लेते हैं जरा सेपरेट पोजेशन। सेपरेट पोजेशन क्या होता है? अब देखो सेपरेट पोजेशन में क्या करना है, नाउन वन एंड से जुड़ेगा नाउन टू के साथ। अब यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, एक ही फ्रेज था तो अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ नाउन टू के साथ था, लेकिन यहाँ आपको दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी एस लगाना है और फिर बताना है पोजेशन, ठीक है, फिर आप बताओगे पोजेशन और ये चीज सेपरेट होगी। कहने का मतलब ये है कि ये पोजेशन हमेशा प्लूरल में आएगा। अब सपोज करो राम की टूथब्रश और श्याम की टूथब्रश, तो कम से कम दो टूथब्रश तो होना जरूरी है ना, और अगर टूथब्रश दो है एक से ज्यादा है तो वो चीज प्लूरल है। तो यहाँ पे देखो मोहन एंड सोहन्स हाउस गलत है, करेक्ट क्या करोगे? मोहन एंड सोहन्स हाउसेस, मोहन एंड सोहन्स हाउसेस। आरती आपने जो लिखा है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्या दिक्कत है आप खुद बताओगे, बताओ कैसे हम ठीक कर सकते हैं सेकंड सेंटेंस को? यहाँ पे तो हमने इस पोजेशन को प्लूरल बना दिया, दिस हैज टू बी प्लूरल, ये प्लूरल होगा ही, क्यों होगा? क्योंकि अगर एक से ज्यादा पोजेशन मतलब राम मोहन का जो घर अलग है और सोहन का घर अलग है तो कम से कम दो घर तो वहां पे होने चाहिए ना। वेरी गुड अभिजीत, बहुत बढ़िया। वाइफ्स आएगा, वाइफ्स का प्लूरल क्या होता है? वाइफ का प्लूरल क्या होता है मुझे ये बताओगे? फटाफट से मुझे ये बताओ कि वाइफ का प्लूरल क्या होता है? वाइफ का प्लूरल क्या होता है बताइए? बहुत बढ़िया अमित, वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स, ठीक है। ये चीजों का आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ जी वाइफ्स होगा, बहुत बढ़िया, अभी याद आ गया सबको, तो इसको हम बनाएंगे प्लूरल, अब ये चीज करेक्ट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, ये जो थर्ड सेंटेंस है इसको कैसे करेक्ट किया जाए? ये जो थर्ड सेंटेंस है हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे बताइए? ये जो थर्ड सेंटेंस है हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे?
मोहन एंड सोहन्स वाइफ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो कि ऑब्वियसली करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट कर सकते हैं इसको? दो तरीकों से करेक्ट कर सकते हो। पहला तो यही है कि यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दो और इसका प्लूरल बना दो। क्या कोई और तरीका है? मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मोहन एंड सोहन्स वाइफ। क्या इसको किसी और तरीके से ठीक किया जा सकता है? बहुत बढ़िया आरती, आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है अजय। जय हिंद मोहित। अब ये चीज को समझो, मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये जो वाइफ है ये मोहन की या फिर सोहन की कॉमन है। मैं एक चीज कह रही हूँ कि मोहन एक पर्सन है और सोहन्स वाइफ एक पर्सन है। क्या ये पॉसिबल है? व्हाट आई वॉन्ट टू से, मैं ये नहीं कहना चाह रही कि वाइफ जो है वो कॉमन है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मोहन एक पर्सन है और सोहन की वाइफ एक पर्सन है, तो कैसे लिखेंगे हम? क्योंकि भाषा में तो हर चीज को बताने का तरीका होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई हम बता ही नहीं सकते, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज में तो हर इमोशन या हर सिचुएशन को कन्वे करने का तरीका होना चाहिए। बताओ कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल अभिजीत, बिल्कुल बताऊंगी। अब पहले मुझे आप ये समझो, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, और यहाँ पे भी मैंने लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स। अब ध्यान से 1 मिनट के लिए बस समझते जाओ। हाँ जी, मैं इसी सेंस में कहना चाह रही हूँ आरती, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? क्योंकि अगर हमने नॉर्मली लिखा तो फिर इसका मतलब कॉमन पोजिशन हो जाएगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है समझते जाओ। यहाँ पे अब मैंने एक ही सेंटेंस को दो बारी या एक ही फ्रेज को दो बारी क्यों लिख दिया, समझो? हो सकता है मेरा मतलब है एक दो बॉल्स है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, या फिर हो सकता है मेरा मतलब है ऐसे हाफ ब्लैक और हाफ व्हाइट है। लेकिन कैसे पता लगेगा कि कौन सा, मतलब कौन सी बारी कौन सा मैं कहना चाह रही हूं? खुद सोच के देखो कि कैसे पता लगेगा। कोई ना कोई एक मेथड तो होना चाहिए। तो इस चीज को पता लगाने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी। यहां पे मैंने बोला था कि एंड से जुड़ के ये चीज एक हो जाती है। एक हो जाने का क्या मतलब है? यहाँ पे एंड से अगर ये चीज जुड़ी हुई है तो कहने का मतलब है ब्लैक भी एक ही बॉल है और व्हाइट भी एक ही बॉल है। बहुत बढ़िया आरती, वेरी गुड। लेकिन अगर मुझे ब्लैक को अलग करना है व्हाइट से तो मैं एंड से पहले कॉमा लगा देती हूँ। अब इसका मतलब है ब्लैक अलग हो गई है व्हाइट से, ठीक है? ब्लैक बॉल अलग हो चुकी है व्हाइट से। ये वाला जो कॉमा है इसको हम बोलते हैं ऑक्सफर्ड कॉमा, ठीक है? इसको हम बोलेंगे ऑक्सफर्ड कॉमा। क्लियर हुआ? तो आपने सभी ने, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे किसी नॉवेल में, या कहीं पे भी रीडिंग में, आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि एंड से जस्ट पहले कॉमा लगा होता है, ठीक है? लेकिन आपको लगता है भाई एंड से क्या मतलब, एंड से पहले कॉमे की क्या जरूरत है, एंड से पहले कॉमा की क्या जरूरत है? तो ध्यान से समझो, मिसप्रिंट वगैरह कुछ नहीं होता है, लॉजिक है हर चीज के पीछे। इसको बोलते हैं ऑक्सफर्ड कॉमा। तो आज ही की क्लास में हमने तीन चीजें पढ़ ली। एक हमने पढ़ ली ऑक्सफर्ड कॉमा, एक हमने पढ़ ली रेज कॉमा, जो कि यूज किया जाता है कॉन्ट्रेक्शन में, चाहे हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रेक्शन करना हो नॉट के साथ, चाहे सब्जेक्ट का कॉन्ट्रेक्शन करना हो वर्ब के साथ, ठीक है? और दूसरा हमने पढ़ा है एपोस्ट्रोफी एस या फिर खाली एपोस्ट्रोफी, जिसका हम यूज करते हैं पोजेशन बताने के लिए। इन तीन चीजों में डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। अब क्या करो, मोहन को अलग कर दो सोहन की वाइफ से, मोहन एंड सोहन्स वाइफ। समझ में आया भाई? ये जो चीज मैंने समझाई है आप लोगों को समझ में आई? कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत लगे, या कोई भी डाउट हो आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप पूछ सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि जिस दिन जो भी क्लास होनी हो आपको पहले पता लग जाता है, तो अपना रिवाइज कराया करो, ताकि कोई भी डाउट भी अगर लगे तो फिर आप मुझसे पूछ सको।
अच्छा सिद्धार्थ, आप क्या करोगे, वाइफ्स नहीं करोगे, यहाँ पे प्लूरल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोहन को जब अलग ही कर दिया तो सोहन की तो एक ही वाइफ होगी ना, स्पेशल केस है अगर एक से ज्यादा हो तो, वो चीज फिर मेंशन होनी चाहिए कहीं पे, अदरवाइज जनरल सिनेरियो में तो हम एक ही मान के चलेंगे ना। ठीक है, तो ये आपका सारा कंसेप्ट था कॉमन एंड सेपरेट पोजेशन का। अब देखो, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, समवन, एवरीवन, नो वन, इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज और पूछती हूँ, मुझे ही बताओ कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? हाँ जी, आएगी अभिजीत, अभी अनअकैडमी यूट्यूब पे चल रही है, फिर वहां पे भी आएगी। हाँ जी, वो करेक्ट होगा ना, फिर अर्लियर जो आपने लिखा था वो चीज करेक्ट थी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए, और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है, PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है, भले ही आप UPSC, SSC, बैंक, CDS, NDA, स्टेट PSC, UGC, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।